सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाए हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। पुण्यात्माओं, सबसे बड़ा दुष्ट, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे मानव समाज का ये नकली गुरु है, झूठे गुरु है, जो परमात्मा से दूर रखते हैं। वो परमात्मा के भी शत्रु हैं। अब वो अनजानपने में ये ड्यूटी अपना कर रहे हैं, करते और काल से प्रेरित हैं। वो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने के लिए। अब उनको कोई ऐसा संत मिलता नहीं, उनको ऐसे ही सिरफिरे गुरु मिल रहे। फिर कुछ दिनों में वो खुद भी गुरु बन जाता है, क्योंकि दो रोटी चाहिए, टू रोटी के लालच में, और एक आश्रम बनाना पड़े, कुटिया बनानी पड़े, उस लालच में फिर वो गुरु बनकर और चेलों से सेवा प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह करता है, टाइम पास करता है। उसके पास ना भक्ति होती है, और उन भोली आत्माओं को परमात्मा से विमुख करके, यानी झूठे पासपोर्ट बनाकर वो दोषी बन जाता है। उसको और ज्यादा अधिक कष्ट काल के लोक में अलग से नरक में डाला जाता है। अब जो ये नकली गुरु बने हुए हैं, ये कितनी पाप आत्मा, कितने पाप को मारे, ठीक है। अब जिसको ना पता है, अनजानपने में गलती सबसे बन जाती है, और जब ज्ञान हो जाए कि भी ये तुम गलत कर रहे हो, परमात्मा तुमसे बहुत नाराज होगा, तुरंत त्याग देनी चाहिए, चाहे भूखा मरे। लेकिन परमात्मा कभी भी भूखा नहीं मरने देता। परमात्मा ने पेट में पाले हम, मां के गर्भ में हमारी परवरिश की, वहां कौन हमारे लिए आहार लेकर जाता था? परमात्मा ने ऐसा जुगाड़ जोड़ दिया, मां की नाभि से हमारी नाभि का कनेक्शन कर दिया, इंटरनल अपने आप परवरिश हो रही है। और जब बच्चा बाहर आता है मां के गर्भ से, तब दूध सतन में तुरंत आ जाता है, और उससे पहले दूध नहीं, मां के सतन में। तो लीला मालिक की, अब कितनी कहीं भी देख लो, दाता कच्चा काम नहीं करता। जब उस दाता ने इतनी चिंता है कि इसके दांत नहीं है, दूध चाहिएगा, तो पहले मां के सतन में दूध प्रवेश कर देता है। जो ही बच्चा बाहर आता है, तुरंत दूध शुरू हो जाता है, नहीं उससे पहले दूध नहीं। तो फिर बाकी जो समय है हमारा, बाकी जीवन है, क्या उसमें परमात्मा अनभिज्ञ है? क्या भगवान को पता नहीं इसकी इसकी पूजा, इसकी सेवा मैंने कैसे, परवरिश कैसे करनी है? फिर भी व्यवस्था कोई जुगाड़ ओए जोड़ेगा। हम जोड़ते हैं तो हम गलत जोड़ लेते हैं। परमात्मा पर विश्वास रखकर, और जब ज्ञान हो जाए, उस त्याग दे उस प्रभुता को, परमात्मा को दास पसंद है, प्रभु पसंद नहीं। प्रभुता से दूर रहना पड़ेगा हमने परमात्मा को पाने के लिए। तो यहां वहां वो नकली गुरु भी वहीं पिट रहे हैं उस तपस्या पर, और चेले भी वहीं पड़े हैं तपस्या पर, उसके शिष्य भी। तब वो विवश हो जाते हैं विचार करने पर कि ये क्या बना हमारे साथ, क्या हुई भगवान। तो वहां परमात्मा कहते हैं, जब ये जीव वहां चिल्ला रहे थे, उस तपस्या के पास जाकर मैं खड़ा हो गया, कबीर भगवान कहते हैं, जोग जीत रूप में। और मेरे वहां पहुंचने से वो तपस्या की जो जलन थी, जो आंच थी अग्नि की, वो निष्क्रिय होगी। वो टुकड़ी तो गर्म है और आग की लपटें भी निकल रही हैं, लेकिन वो उन प्राणियों को परेशान नहीं कर रही। यानी परमात्मा ने अपनी शक्ति से अग्नि की आंच उन प्राणियों के नहीं लगने दी। तो फिर वो सभी तपस्या के ऊपर बैठ गए, जैसे तख्त पर बैठ जाते हैं। जब उनको उनकी पीड़ा कम होगी, सामने देखा परमेश्वर का चांद सा चेहरा, और उन्होंने सोचा कि भगवान आगे शायद हमारी पुकार सुनके, तब उन्होंने कहा, हे परमात्मा, हम इस तपस्या के ऊपर कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? परमेश्वर ने कहा कि ये पाप का दंड तुम्हारा यहां का नहीं है, ये पाप तुमने सतलोक में किया था।